बीजेपी का एक दल जो दिल्ली पहुंचा है केंद्रीय गृह सचिव के पास शिकायत करने के लिए, उन्हीं में शामिल है विधायक पराग शाह भी। वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा ये सुनिए। सीपी की कार्यकर्ता है फाहिमा हसन, वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर मुझे भी हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। उनको हनुमान चालीसा पढ़ना है वो तो बहुत अच्छी बात है, कि मैं समझ रहा हूँ कि राम जी ने उसको भी मैसेज दिया है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ो। बट क्या होता है कि जो राम जी में नहीं मानते वो राम जी का मैसेज शायद सही सही ढंग से ले नहीं सकते। उनको राम जी ने मैसेज दिया होगा कि हनुमान चालीसा पढ़ो। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी, क्योंकि वो भगवान में मानने वाली औरत नहीं है, तो वो उसने अपना खुद का ऐड कर दिया होगा। भगवान ने मैसेज दिया है कि हनुमान चालीसा करो, घर में बैठ के 24 घंटा हनुमान चालीसा करो, जबकि वो मैसेज दे रही है कि मैं प्रधानमंत्री। लेकिन आप लोग, नवनीत राणा ने जो इस तरह से कहा कि मैं मातोश्री के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठन करना चाहते, जिसके बाद ये पूरा जो है वो अभी फिलहाल जेल में है, उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ उनको अनुमति दी जानी चाहिए, तो एनसीपी की कार्यकर्ता कह रही उसी तरीके से मैं पीएमओ के बाहर आना चाहती हूँ। नहीं, नवनीत राणा जी और रवि राणा जी ने जो संकल्प किया था वो उनका खुद का संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी में उसमें कभी भी साथ में मिले नहीं है। नवनीत राणा जी को भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो वो उनके घर में पढ़ सकते हैं, उनके एरिया में पढ़ सकते हैं। मैं ये जरूर मानता हूँ कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरे को प्रधानमंत्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। शिवसेना भी यही नवनीत राणा के लिए, और पब्लिसिटी स्टंट के लिए भगवान का उपयोग करना मुझे नहीं मुनासिब। यही काम तो नवनीत राणा जो है उन्होंने कहा था कि मैं भी जो है वहाँ पर आकर के पढ़ना चाहती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। तो शिवसेना यही कह रही है कि अगर नवनीत राणा का वो, इसका मतलब तो नवनीत राणा का भी वो पब्लिसिटी स्टंट था। अभी मैं आपकी टीवी चैनल पर अगर इंटरव्यू में बोल दूंगा कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो मुझे अभी क्या ये डरना पड़ेगा कि जैसा मैं मुंबई में लैंड होएगा मुझे अरेस्ट किया जाएगा। पराग शाह को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि भगवान का नाम लेकर पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश नेताओं की तरफ से की जा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।